दरम्यान छत्रपति संभाजीनगर जिल्ह्यात कन्नड तालुक्यात रामनगर इथे मतदानावर बहिष्कार टाकला गेलाय। रामनगर इथे सकाळपासून एकही मतदान झालेले नाहीये। स्मशानभूमीच्या प्रलंबित मागणीसाठी या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय रामनगरवासियांनी घेतलाय। रामनगरच्या 1476 ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार टाकलेला आहे। आणि लोकांपर्यंत पोहोचलोय, त्याच्यामुळे जो कौल आहे तो शेवटी तुम्हाला लोकांचा आहे। मी ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये तुम्हाला काही बोलणार नाही, पण शेवटी 23 कळेल। नाही बहुत पहली बार मुझे वोट भी करेंगे वो। नहीं मैंने कभी उनको एक चुनौती की तरह नहीं देखा, इसलिए मैंने अगेन मैं चाहता था कि कोई सामने हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोगों को ऑप्शन मिलने चाहिए। मैं अकेला खड़ा रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कहीं तो मैंने अपना काम पहुंचाया है, उन्होंने अपना काम पहुंचाया होगा, इसलिए जो कॉल है वो लोगों का, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने मेरा शॉट रखा दिया है। राज ठाकरे जी से क्या बात हुई कि सुबह कुछ संदेश दिया, कोई सलाह? नहीं, मैंने पहले सिद्धिविनायक ही आया हूँ, तो अभी जाके बात होगी। आज के दिन के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है? लोगों को अपने अपील तो किया है कि थोड़ा मन में डर है? नहीं, वो पहले दिन से नहीं था। नतीजे 23 तारीख को आने हैं, लेकिन इसके पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुप्रिया सुले की एक ऑडियो क्लिप है, वो वायरल हो चुकी है। इसका मुझे मत पूछिए यार, आपका मेरे बारे में हो गया होगा तो रुक जाइए। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपने पहली बार देखी होगी, क्योंकि आप इस बार कैंडिडेट थे। महेश सावंत है, वो बोल रहे कि नए हैं, शुभकामनाएं है। दूसरी बात सदा सर्वण करें, वो भी आपको शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।